फतेहाबाद के गांव बोदीवाली के सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। मैट्रिक का खराब रिजल्ट आने को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों का कहना, पिछली बार 60 में से 9 बच्चे हुए थे पास, तो इस बार 82 बच्चों में से केवल 24 बच्चे हो पाए हैं पास। ग्रामीणों का आरोप, जब खराब रिजल्ट की शिकायत लेकर स्कूल स्टाफ से की बात तो स्कूल स्टाफ ने बच्चों को दी गंदी संज्ञा। कहा, गाँव वाले गंद इकट्ठा करके भेज देते हैं स्कूल, कैसे करवाए पास। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने स्कूल खोला। गांव से बच्चों के माता पिता आए और हेडमास्टर से पूछा, भाई बच्चों का रिजल्ट कम क्यों आया है? तो हेडमास्टर के जवाब में हमें मिला, बोले गांव ने गंद इकट्ठी कर रखी है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पास हो गए, बाकी गंद है। यहाँ आए हैं वो एरिया के लिए आगे पूछने के, पुलिस क्या है, बोले मेरी क्लास आए हो आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं पुलिस में पर्चा दूंगा। आज गोदीवाड़ी स्कूल में कम रिजल्ट को देखकर आक्रोश में आए हुए अभिभावकों ने स्कूल पे ताला लगाया था, जिसकी सूचना मिलने के उपरांत मैंने आके सभी लोगों से बातचीत की, जिसमें SMC कमेटी के मेंबर भी थे, अभिभावक भी थे और पंचायत के सदस्य भी थे। तो सभी से बातचीत कर मसले के हल निकालने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। DO साहब को सारी जानकारी से अवगत करवा दिया गया है, तो जैसे ही DO साहब इस बारे में मैं सारी रिपोर्ट उनको सौंपूंगा, जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। तो इस आश्वासन के बाद गांव वालों ने जो है स्कूल का ताला खोल दिया है और वो शांति से अपने घर को